पंचायत बासगांव से अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी अमरजीत सिंह की तरफ से स्वतंत्रता दिवस कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। चार पहिया वाहन और मोटरसाइकिल की टक्कर में बाइक चालक का टूटा पैर। गोला थाना क्षेत्र के गोला कौड़ीराम सड़क मार्ग पर स्थित ग्राम ककरही कंपोजिट विद्यालय से 200 मीटर दूर सड़क पर रविवार की शाम 6 बजे चार पहिया वाहन व बाइक के टक्कर में बाइक चालक बुरी तरह घायल हो गया। उसका पैर टूट गया, साथ ही बाइक पर बैठे व्यक्ति को भी चोटें आई हैं। चार पहिया वाहन चालक टक्कर मारकर वाहन लेकर फरार हो गया। ग्रामीणों ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को CHC गोला पर इलाज के लिए भेजा, जहां डॉक्टर ने स्थिति नाजुक देखकर बाइक चालक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जिससे बाइक चालक की पहचान त्रिभुवन निवासी जमुनी ज्योत व बलवंत निवासी मदरिया थाना बढ़लगंज के रूप में हुई है। चावरिया पार कस्बे में खपरेल का मकान गिरने से एक व्यक्ति की दबकर मौत, गोला गोरखपुर। उरुआ पुलिस पहुंची और शव को PM के लिए भेजा। मिली जानकारी के अनुसार उरुआ थाना क्षेत्र के ग्राम धुरियापार निवासी 48 वर्षीय लाल मोहम्मद उर्फ मुन्ना पुत्र स्वर्गीय दोबरी अपने खपरेल के मकान में परिवार के साथ रहते थे, जो मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। रविवार को वह दोपहर में खपरेल के बरामदे में सोए हुए थे। लगभग 1:30 बजे खपरेल का मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया, जिसके नीचे वह दब गए। घर गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने तुरंत मलबा हटाना शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद मुन्ना को लोगों ने मलबे से बाहर निकाला। आनंद फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरुआ लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर। नगर पंचायत में गिरे पोल आज तक नहीं उठाया गया। बासगांव नगर पंचायत में विद्युत के 2 पोल आज 1 महीना पहले गिरे हुए थे, परंतु आज तक विद्युत विभाग ने पोल को उठाना मुनासिब नहीं समझा। इसके अतिरिक्त बासगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश पोल जर्जर हो गए, जो कभी भी हादसा का कारण बन सकते हैं। करीब करीब ज्यादा पोल जर्जर चुके हैं, जो देखना पड़ेगा उसको। जी, क्या दिक्कत हो रही है? पोल 2 पोल तो आज यहीं गिर गया है, चैरी गेट के सामने। जी, हादसा होने से बच गया, बहुत बढ़िया था कि बारिश हो रही थी, इसलिए हादसा नहीं हुआ। नहीं तो अन्य जगह पोलों की क्या हालत है? अब सब पोलों को जांच की जाए तो काफी पोल जर्जर हो चुके हैं। और तारों की क्या हालत है? विद्युत तारों की? विद्युत तार सब तो पेड़ से कटे हुए हैं, काफी लाइन कटौती हो रही है। राष्ट्र ध्वज तो लगाए परंतु उतारना भूल गए जिम्मेदार। बासगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गांव गांव धरो धरो दुकानों दुकानों तिरंगा लगाया गया, परंतु अमृत महोत्सव के बीच जाने के बाद भी तिरंगा तो उतारना लोग मुनासिब नहीं समझे। एक तरफ हमारा राष्ट्र ध्वज का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जो दिन रात 24 घंटा लगातार फहर रहा है, दूसरी तरफ कई जगह तिरंगा झूठा हुआ लटका हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे तिमानो राष्ट्र अपमान जानबूझ के किया गया हो। ऐसे में हमारे जिम्मेदारों को अब तक ध्यान में नहीं आया कि तिरंगे को वापस लपेट कर पुनः सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। दिन भर की बड़ी खबरों को देखने के लिए 10 साल बाद यहां हुई महिला चिकित्सक की तैनाती। बासगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत पिछले 10 सालों से महिला चिकित्सक न होने से महिलाओं को अपनी समस्याओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था, परंतु महिला चिकित्सक 2-2 आ जाने से महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा। महिला चिकित्सक भी इससे खुश है, आइए जानते हैं क्या करती है। 10 सालों से यहाँ कोई महिला चिकित्सक नहीं थी इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आप लोगों को आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो आपको बहुत ही अच्छा ये था, जैसे महिला पेशेंट उसमें अच्छे ढंग से मतलब इलाज नहीं, जो हाइट्स वाला है उसको मतलब धुलाओ ठीक से नहीं करवा रहे थे। तो अभी आकर ये पता चला, जैसे जो मरीज सच में नीडी है, जो मरीज के पास उतना पैसा नहीं होता है बाहर इलाज के लिए, जो लोग ऐसे तो डेट का मैटरनिटी मॉर्टलिटी रेट उसका रेट बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ कम करने के लिए हम लोग को बताया गया है, जो भी चीज़ आपको ज़रूरी पड़े तो वो हम लोग से बात कीजिए, हम लोग उसी हिसाब से इसमें अरेंजमेंट करा सकते हैं और इस हॉस्पिटल को पहले से। और 10 साल बाद नलकूप खराब होने से सिंचाई बाधित। बासगांव विकास खंड के ग्राम अमरपुर में राष्ट्रीय नलकूप
खराब हो गया है, जिसके चलते धान की फसल में सिंचाई लगातार नहीं हो पा रहा है। लोग परेशान होते रोजाना तहसील का चक्कर लगा रहे हैं, परंतु जिम्मेदार अधिकारी ने आज तक नलकूप बनवाना उचित नहीं समझा। पिछले 2 महीने से लंबा समय हो गया, नलकूप खराब है। आपके सुरेंद्र पाठक कहाँ से रह वाला है? क्या समस्या रहा आप लोग? समस्या है ट्यूबवेल का था। कितने दिन से खराब पड़ा होगा? अरे तीन महीने से जे हिसाब के पीछे पुकार रहे हैं, आज करवा दे रहे हैं, कल करवा दे रहे हैं, अभी तो बन नहीं पाया। महिला के चाचा ने उसे घर से निकाला। महिला दर दर फरियाद लेकर घूम रही है। बागगंज विकास खंड के ग्राम पुलरपुर में एक ऐसा मामला है जो चौंकाने वाला है। महिला ने बताया कि मेरे पापा और चाचा ने मिलकर घर बनवाया था, परंतु मेरे चाचा ने मेरे पापा और हमको घर से बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद हम लोग दर बदर जीने को मजबूर हैं। महिला ने उच्च अधिकारियों से भी शिकायत किया है। आपके कहाँ चले वाला है? क्या मामला है? पूरा मामला बताइए। हमारे चाचा थे, आज दोनों भाई लोग मिल करके घर बनवाए हैं, इस समय हम लोग अपना हक मांग रहे हैं तो बोल देने को तैयार नहीं है। बोल रहे हैं कि न घर खाली करेंगे न घर में घुसने देंगे। हम लोग 8-10 दिन से दूसरे घर में रह रहे हैं। राशन कार्ड बनवाने के लिए लोग महीनों से लगा रहे हैं चक्कर। बांसगांव तहसील मुख्यालय का दृश्य है, जहां पे राशन कार्ड में अपना नाम और परिवार का नाम जुड़वाने के लिए फरियादी महीनों से तहसील का चक्कर लगा रहे हैं। चाहे रविवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, आपको रोजाना 5 से 10 फरियादी तहसील परिसर में राशन कार्ड की समस्या को लेके दिखेंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि राशन कार्ड में उनका नाम था और नाम कट गया है, जिसके बाद उनको रोजाना तहसील मुख्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर है। रघुवीर कहाँ से आए? नेहरूपुर। कितने दिन से राशन कार्ड के लिए दौड़ रहे हैं? अरे हमें तो कई सालों हो गया, आज तक बना ही नहीं। क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं बन जाएगा। साल भर से यही आवेदन चलते जमा कर दिए हैं? हाँ, आवेदन करके जमा कर दिए। दिन भर की बड़ी खबरों को, 1.25 करोड़ की लागत से हुआ था सुंदरीकरण, जगह जगह उखड़ने लगे पत्थर। बांसगांव तहसील मुख्यालय पर स्थित माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगभग 1.25 करोड़ रुपया दिया गया था। ऐसे में पर्यटन विभाग द्वारा इस मंदिर का सुंदरीकरण कराया गया था। अभी मुश्किल से 6 से 7 महीना ही बीता कि सारे इसमें पत्थर टाइल्स टूट के गिरने लगे हैं, कई जगह तो उखड़ उखड़ के लटके हुए हैं। ऐसे में मंदिर के पुजारी सरण कुमार पांडे ने बताया कि इस तरह भगवान के काम में भी डंडा खेल खेला गया है। ऐसे में उन्होंने उच्च अधिकारियों को शिकायत करने की। मंदिर परिसर छू रहा है, क्या मामला है? पर्यटन विभाग से काम हुआ था, लोग छत पर गिट्टी उट्टी नहीं डाले, हम कई बार कहे, दोनों मंदिर ठाकुर द्वारा और दुर्गा जी का मंदिर। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के पहले स्थापना दिवस पर करेंगे शिरकत सीएम योगी। बीआरडी के मरीजों का एसजीपीजीआई के डॉक्टर करेंगे इलाज, टेलीमेडिसिन के जरिए दे सकेंगे सलाह। गोरखपुर में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दी चेतावनी, अगर अभियंताओं ने उपभोक्ताओं का फोन न उठाया तो होगी कार्रवाई। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एक्सपायर ब्लड चढ़ाने से मरीज की मौत, डॉक्टरों पर मारपीट का भी आरोप। पूर्वोत्तर रेलवे के सभी बड़ी परियोजनाओं की ड्रोन से होगी निगरानी, कराई जा रही वीडियोग्राफी। हवालात में बंदी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में मौत, खिलाफ अकील अहमद के जारी हुआ था वारंट। महाराजगंज में भारतीय पासपोर्ट के साथ नेपाली महिला एजेंट के साथ गिरफ्तार, जाना चाहती थी हांगकांग। कुशीनगर में लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास, 2-2 कैबिनेट मंत्री थे मौजूद।